पॉजिटिव भारत को स्वागत कर प्रथम नजर पकेबा हेडलाइंस पर शिक्षार आंचलिक भाषा को गुरुत्व आगको एगार बदल में तेर भाषा हेब नीट परीक्षा एआईसीटी रे आठटी आंचलिक भाषा वैषयिक शिक्षा को मिलपे अनुमोदन देश में रिसर्च इकोसिस्टम को सशक्त करने प्रतिष्ठा हेब नेशनल रिसर्च फाउंडेशन आउ एक भारतीय कला को विश्वस्तरीय मान्यता भगवान शिवंक अलौकिक रामपा मंदिर को यूनेस्को विश्व ऐतिह्यस्थल मान्यता 800 वर्षर मंदिर में रही भारत कला भास्कर्य शुभेच्छा जणाइले प्रधानमंत्री मोदी कुकुड़ार अवशिष्टांशु बायोडिजेल केरल पशु चिकित्सक जॉन अब्राहम को सफलता को मिलला मान्यता उद्भावन 7 वर्ष पर मिलला पेटेंट बायोडिजेल व्यवहार द्वारा 50% कम प्रदूषण कारगिल विजय दिवस रे शहीद को श्रद्धांजलि दिल्लीर जातीय युद्ध मेमोरियल रे श्रद्धांजलि जणाइले प्रतिरक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मंत्री अजय भट्ट सेपटे बारमुला युद्ध मेमोरियल रे शहीद जवान को श्रद्धांजलि देले राष्ट्रपति पदक सह देश को फेरिले देशर गर्व मीराबाई चानू विमानबंदर में विपुल स्वागत संवर्धना कहले अलंपिक्र स्वप्न को पूरण पाई त्याग करने को पड़ी बहु किछि आगो को एगार बदल में तेर भाषा हेब नीट परीक्षा तीन भाषा चली जे आगो को तेरटी भाषा परिचालित हेब पायलट प्रकल्प आधार 2021-22 एकेडमिक अधिवेशन नुआ नियम आसीपे एआईसीटी आठटी आंचलिक भाषा वैषयिक शिक्षा को मिलपे अनुमोदन एनईपी 2020 अधीन शिक्षा अनुसंधान और दक्षता विकास में आंचलिक भाषार व्यवहार को प्रोत्साहन करने को केन्द्र सरकार पदक्षेप नहीं लोकसभा एने सूचना देखते केन्द्र शिक्षामंत्री धर्मेन्द्र प्रधान शिक्षार आंचलिक भाषा को गुरुत्व देशरे गवेषणा व्यवस्था को मजबूत करने को पदक्षेप जातीय अनुसंधान फाउंडेशन व शिक्षा मंत्रालय नुआ प्रयास एकेडमी एवं शिल्प मध्यरे समन्वय रक्षा करने को योजना कर एनईपी 2020 अधीन शिक्षा अनुसंधान एवं दक्षता विकास रे आंचलिक भाषार व्यवहार को प्रोत्साहन करने को केन्द्र सरकार पदक्षेप नहीं लोकसभा एने सूचना देखते केन्द्र शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान आगको एगार बदल में तेर भाषा हेब नीट परीक्षा तीन भाषा चली जेई आगको तेरटी भाषा परिचालित हेब पायलट प्रकल्प आधार में 2021-22 एकेडमिक अधिवेशन नुआ नियम आसीपे एआईसीटी आठटी आंचलिक भाषा वैषयिक शिक्षा को मिलपे अनुमोदन स्वयं प्लाटफर्म अधीन आंचलिक भाषा इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम रेफरेंस सामग्री अनुवाद जहां विज्ञान इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी मानविकता सामाजिक विज्ञान आईन परिचालना इत्यादि विभाग रे ऑनलाइन पाठ्यक्रम प्रदान कर उच्च शिक्षा में रिसर्च के बारे में और सामूहिक रूप में शिक्षा रिसर्च स्किल डेवलपमेंट और उसको लेके देश की आत्मनिर्भरता के बारे में एक मूल मौलिक प्रश्न पूछा है और उससे आगे जाके एनईपी में न्यू एजुकेशन पॉलिसी में जो नेशनल रिसर्च फाउंडेशन के बारे में घोषणा किया गया और जिसके बारे में पिछले 15 अगस्त को माननीय प्रधानमंत्री जी ने लाल किले की भाषण में भी उल्लेख किया सरकार इसी उपक्रम को बनाने के लिए कटिबद्ध है प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर और संबंधित विभागों को लेके गहन विचार विमर्श जारी है आंचलिक भाषा रे योजना पई आवेदन करबा को चाहुतबा अनुष्ठान गुडी को पई एआईसीटी हैंडबुक रहिछि अधिक संख्या रे छात्र छात्रिन को प्रवेश पई इंग्रजी भाषा रे थिबा ऑनलाइन पाठ्यक्रम को हिंदी बंगाली मराठी तेलुगु तमिल गुजराती कन्नड मलयालम पंजाबी आसाम एवं ओडिया रे अनुवाद करने को एआईसीटी अनुवाद ऑटोमेशन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल व्यवहार करा ग्रामांचल रे हिंदी रे 1000 पुस्तक प्रकाशन दिगरे हरियाणा सरकार एवं एआईसीटी भितरे एमओयू चुक्ति होईछि आंचलिक भाषा रे वितरण करा जाउथबा इंजीनियरिंग रे प्रथम वर्ष रे छात्र मानक पई वर्तमान पाठ्यक्रम रो एक बाध्यतामूलक अंश छात्र इंडक्शन प्रोग्राम रहिबो ब्यूरो रिपोर्ट अर्गस न्यूज
देशर शिक्षा क्षेत्र में संस्कार आने मोदी सरकार द्वारा प्रणयन करा नुआ शिक्षा नीति को पूरा जाऊँगी गोटे वर्ष यार एक वर्ष पूर्ति अवसर जुलाई 29 तारीख दिन देशव्यापी एक कार्यक्रम अनुषित होती वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जगे उद्बोधन देवे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी केन्द्र शिक्षामंत्री धर्मेन्द्र प्रधान उद्बोधन देवार कार्यक्रम रही आउ एक भारतीय कला को मिलला विश्वस्तरीय मान्यता भगवान शिवंक अलौकिक रामपा मंदिर को यूनेस्को द्वारा विश्व ऐतिह्य स्थल मान्यता मिली तेलंगाना स्थित काकतीय रुद्रेश्वर रामपा मंदिर को विश्वस्तर मान्यता मिलवा पर शुभेच्छा जनाई प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी विशेषकर तेलंगानावासी को से खुशी खबर पर अभिनंदन जनाई रामपा मंदिर महान काकतीय वंशर उत्कृष्ट शिल्प कौशल को प्रदर्शित करछि चमत्कार कारुकर्य या मंदिर विश्वस्तर में स्थान पाइबा एक गौरवर विषय वारंगल स्थित यह शिव मंदिर एक एभली मंदिर जार नाम यार शिल्पकार रामपा नाम नामित होर निर्माण 1213 मसीह आरंभ होता यह निर्माण करने 40 वर्ष समय लगी यार चारिपटे कलाकृति में रामायण और महाभारत दृश्य खोदित होवार देखा मिले कुकुड़ार अवशिष्टांशु बायोडीजेल केरल पशु चिकित्सकों सफलता को मिलला मान्यता उद्भावन 7 वर्ष पर मिलला पेटेंट केरल जनाशुना पशु चिकित्सक तथा उद्भावक जॉन अग्रहान को एक भिन्न थरर बायोडीजेल प्रस्तुति पेटेंट मिली कुकुड़ार फिंगा जाउथिबा अवशिष्टांशु बायोडीजेल प्रस्तुत करुछंती अग्रहम ए बायोडीजेल गोटे लिटर में 38 किलोमीटर माइलेज मिली या सहित प्रदूषण मात्रा 50% कम होता है अग्रहम ए बायोडीजेल उद्भावन तामिलनाडु वेटनरी एंड एनिमल साइजेस यूनिवर्सिटी निजर डॉक्टरेट रिसर्च समय प्रस्तुत करते तेज उत्पादर मूल कंचामाल जैविक सामग्री थिबारु राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण अनुमति मिलवा जरूरी थिला जोंतिपई पेटेंट मिलबारे विलंब होइतिबा जाना पड़छे खूब शीघ्र भारत को मिलपे आउ एक कोरोना टीका हैदराबाद स्थित फार्मास्यूटिकल कंपानी बायोलॉजिकल ईर कोरबेभैक्स टीका सेप्टेम्बर शेष सुधा भारत में लंच कर आशा करा सोमवार कंपनी पक्षर जमापड़ चूड़ांत फल आसवापर यह साधारण नागरिकों लगी उपलब्ध होदराबाद स्थित एक फार्मास्यूटिकल कंपनी सूचना देती बायोलॉजिकल ई द्वारा विकसित होता यह टीका हो आरबीडी प्रोटीन सब यूनिट टीका और प्रथम पर्याय और द्वितीय क्लिनिकाल परीक्षण में आशा मुताबक फलाफल देखा यापर निकट में तृतीय पर्याय क्लिनिकाल टेस्ट कर सूचना अनुजाई टीका निर्माता अगस्ट शेष सुधा जरूरकालीन व्यवहार लाइसेंस पर आवेदन करेंगे और डिसेंबर 2021 सुधा भारत सरकार को 300 नियुत डोज जोगाई देबे बोली आशा करा जाउछि खबर जारी रहबो समयसिक ब्रेक रो स्वागत कोरोना जो सृष्टि आर्थिक संकट मुकाबला अधिक नोट छापिबा परे जारी चर्चा रे विराम लगाई केंद्र अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण महामारी जो सृष्टि आर्थिक संकट को मुकाबला करबा लागि सरकार कौन सी करेन्सी नोट छापिबार योजना नहीं बोली केंद्र अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण कहते केन्द्र अर्थमंत्री लोकसभा एक प्रश्नर जवाब केन्द्र अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण कहते सरकार आर्थिक वर्ष 2020-21 मध्य आर्थिक विकास को पुनर्जीवित करने और रोजगार बढ़ावा लगे आत्मनिर्भर भारत जरिया 29.89 लाख कोटी रो स्वतंत्र पैकेज घोषणा करा जेतिबा कहिसेंते कर्णाटक मुख्यमंत्री पदर इस्तफा देखते बीएस येदियुरप्पा सकाळे घोषणा परे परे राजभवन जाए राज्यपाल थरबचंद गेहलोत को निजर इस्तफा देखते राज्य में बीजेपी सरकार को 2 वर्ष पूर्ति होगा बेले येदियुरप्पा इस्तफा देखते तेज येदियुरप्पा इस्तफा देवा बेस किछि दिन धरी चर्चा जोर धरी वर्तमान राज्य नेतृत्व क्या हस्तांतर कर केन्द्रीय स्तर नेता आलोचना आरंभ हो केन्द्रमंत्री धर्मेन्द्र प्रधान को पर्यवेक्षक भाव दल राज्य को पठाइवा निष्पत्ति तेज नुआ मुख्यमंत्री पर 5 जन ना सबुठ आग केन्द्र संसदीय व्यापार मंत्री प्रहलाद जोशी कर्णाटक गृहमंत्री बासवराज बोमई कर्णाटक विधानसभा बाचस्पति विश्वेश्वर हेगड़े कगेरी राज्यर खनि मंत्री मुर्गेश निरानी और बीजेपी राष्ट्रीय महासचिव सीटी रवि ना सबुठ आगे रही
कोरोना कटकणा भितरे राज्यरे खोलिला स्कूल श्रेणी गृहरे बसी पाठ पढ़िले दशम और द्वादश श्रेणीर छात्र छात्री सकाळ 10टा रु 1:30 पर्यंत क्लास चालुथुवा बळे मास्क पिंधिबा और सामाजिक दूरत्व उपरे गुरुत्व दिया जायछि। आजिठु खोलिला राज्यर समस्त स्कूल आरंभ हला दशम द्वादश पाठपढ़ा कोरोना कटकणा भितरे आसी पाठ पढ़िले छात्र छात्री प्रथम दिन सब पिला स्कूल आसी नथिले भी स्कूल मानकु किछि छात्र छात्री आसीथिबा देखा जायथिला। सब पिलांकु स्कैनिंग करा जाय स्कूल रे प्रवेश करा जायथिला। परे निज भितरे सामाजिक दूरता रखि पाठ पढ़ा जायथिला। केवल श्रेणी गृह रे सामाजिक दूरता रक्षा करिछन्ति ताहा नुहे प्रार्थना मध्य करा जायछि। शिक्षक शिक्षयित्री और अल्प किसी छात्र छात्री माने माइक जोगे प्रार्थना करथिबा बेले श्रेणी गृह रे थाई छात्र छात्री प्रार्थना रे शामिल होइतिले। अनेक पिलामानक मध्य गरीब पिलामानकर मध्य मोबाइल नथिबारु सेमान मन पाठ पढ़ि पारनथिले सेथिपई सरकार एई जो नियम कोरोना कटकणा एई जो कलि नियमटा छात्र छात्री मानक पईका सेइटा ही सब पिलामाने भल होइछि। मते बहुत खुशी लागछि बिकज एते मास परे गोटे फिजिकल मोड रे क्लासेस होउछि तो सेटा गोटे बेटर वे पढ़िया पाई। हैंड सानिटाइज कराई थर्मल स्कैनिंग कराई पिला अंडरटेकिंग रखाई पिला क्लास रूम डिस्टेंस बस मास्क पिंधिक पिला रेस्पन्स ही भल अच्छे। स्कूल मानक सकाल 10:30 पर्यंत क्लास चलो रविवार और छुट्टी दिन में विद्यालय बंद कोविड नियम अनुसार छात्र छात्री को श्रेणी गृह में पाठ पढ़ाइबार व्यवस्था कर स्कूल कर्तृपक्ष समस्ते मास्क पिंधा बाध्यतामूलक कर सेपरि स्कूल परिसर को सानिटाइज करा जाइछि। कोविड 19 हेल्पलाइन नंबर को कैंपस रे प्रदर्शित करा जाइछि। प्रति स्कूल रे आइसोलेशन रूम खोला जेबा सह कोविड मॉनिटरिंग टीम गठन करा जाइछि। शिक्षानुष्ठान आसीबा को छात्र छात्रि को बाध्य करा जेबनि अभिभावक सह आलोचना करबा परे सेमाने शिक्षानुष्ठान आसीबे जेऊ छात्र छात्रि स्कूल न आसी परिबे ऑनलाइन रे पाठ पढ़ी परिबे। ऑनलाइन रे जमते क्लास करथले का पाखरे मोबाइल नथला सेते में के पिला ने क्लास करथले के पिला ने क्लास न कर परथले सेते बे आज स्कूल आसी जंत सब प्रश्न उत्तर ने बाजी। ऑनलाइन रे पढा होतला सत किंतु ऑनलाइन रे हमें जो डाउट्स कुरे थिला हमें भूल ठीक रे बुझी पा नथलु स्कूल ले आसीले गुरुजी गुरुमां को सब बुझी पारिबो आ भलो ऑनलाइन रे भी सब सुविधा हेई पा नथला स्कूल आसी के से सब सुविधा होजी त भल लागुची। हमें बे मन खोली के माने हमें जो डाउट ता थिला हमें तंकु क्लास अनुसार हमें मैम को पचारी पर मैम आमर ए डाउट थिला आ हमको हमको आउथरे बुझंतु कि हमर ए सिचुएशन र हम बुझि पर नथुलु ना को सब्जेक्ट रे कोन प्रोसेसिंग केमिति कोन हम ठीक भाबरे जानि पर नथुलु एबे सुविधा होचि। कोरोना रो द्वितीय लहर पई राज्य रे दीर्घ मास हला बंद रहितला स्कूल सेथि पई ऑनलाइन पाठ पढा आरंभ करितिले राज्य सरकार जहा कि सेतरा सफल हला नाही। एबे राज्य रे संक्रमण कमुथिया बेले पिलांको भविष्यत को दृष्टि रे रखी प्रथम पर्याय रे दशम और द्वादश श्रेणी को खोला जाय छे। ब्यूरो रिपोर्ट अर्गस न्यूज। खबर जारी रहबो समय छ एक ब्रेक रो। ब्रेक रे स्वागत। कारगिल युद्ध में भारत विजय स्मृति को कारगिल विजय दिवस भाव में जुलाई 26 दिन पालन कर सारा देश एथस तो विजय पक्षर निर्णायक भूमिका नहीं देशर वीर जवान अपूर्व साहस और वीरतर स्मृतिचारण करवासी दुई देश मध्य चुक्ति उल्लंघन कर पाकिस्तान सेना 1999 में भारत कारगिल अधिकार करने को उद्यम कर उचित जवाब देते भारत वीर जवान सेना तरफ आरंभ होता ऑपरेशन विजय जुलाई 26 सारा देश पालन करुछि 22तम कारगिल विजय दिवस भारतीय जवान को साहसिकता को प्रशंसा करिबा सह शहीद जवान को प्रधानमंत्री को श्रद्धांजलि लद्दाख र कारगिल रे सेना मुख्य को श्रद्धांजलि अर्पण जम्मू काश्मीर रे राष्ट्रपति एवं दिल्ली रे श्रद्धांजलि अर्पण कले प्रतिरक्षा मंत्री संसद र उभय गृह रे भारतीय वीर जवान को मने पकाइले सांसद 1999 जुलाई 26 दिन पाक सेना को हराई विजय ध्वजा उड़ाई भारतीय वीर जवान कारगिल युद्ध में भारत विजय स्मृति को कारगिल विजय दिवस भाव जुलाई 26 दिन पालन करी सारा देश
ଏଥିସହିତ ଏହି ବିଜୟ ପଛରେ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ଭୂମିକା ନେଇଥିବା ଦେଶର ବୀର ଯବାନଙ୍କର ଅପୂର୍ବ ସାହସ ଓ ବୀରତ୍ୱର ସ୍ମୃତିଚାରଣ କରିଛନ୍ତି ଦେଶବାସୀ। ସେମାନଙ୍କର ଆତ୍ମଚର୍ଗକୁ ମନେ ପକାଇ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଟ୍ୱିଟ୍ କରି କହିଛନ୍ତି, ଦେଶର ବୀର ଯବାନଙ୍କର ଅଦମ୍ୟ ସାହସ ଆମକୁ ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରେରଣା ଯୋଗାଉଛି। ସେମାନଙ୍କର ବଳିଦାନକୁ ଆମେ ମନେ ପକାଇବା ସହିତ ସେମାନଙ୍କର ସାହସ ଓ ବୀରତ୍ୱର ଆମେ ସ୍ମୃତିଚାରଣ କରୁଛୁ। ଆଜି କାରଗିଲ ବିଜୟ ଦିବସରେ ଆମେମାନେ ଦେଶର ସୁରକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ କାରଗିଲରେ ପ୍ରାଣବଳି ଦେଇଥିବା ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ଗଭୀର ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଅର୍ପଣ କରୁଛୁ। ଏହା ସହିତ ଗତବର୍ଷ ନିଜର ରେଡିଓ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମନ୍ କି ବାତ୍ରେ ଦେଇଥିବା କାରଗିଲ ବିଜୟ ଦିବସର ବାର୍ତ୍ତାକୁ ସେୟାର ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। आज 26 जुलाई है और आज का दिन बहुत खास है। आज कारगिल विजय दिवस है। एबे संसद रा मौसुमी अधिवेशन चलथिबारु उभय गृहरे विजय दिवस रा स्मृति चारण करा जायथिला। राज्यसभा अधिवेशन चलिबा पूर्वरु उपराष्ट्रपति भेंकैया नायडु कारगिल विजय दिवस बाबदरे सूचना देथिले। ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟ ଠିଆ ହୋଇ ଦେଶର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରାଣବଳି ଦେଇଥିବା ସାହସୀ ଯବାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜଣାଇଥିଲେ। I request members to raise in their places and observe silence as a mark of respect to the memory of all those brave soldiers who laid down their lives for our country। ସେହିପରି ଲୋକସଭାରେ ମଧ୍ୟ ବାଚସ୍ପତି କାରଗିଲ ଦିବସ ସମ୍ପର୍କରେ ସ୍ମୃତିଚାରଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ବୀର ଯବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଅର୍ପଣ କରାଯାଇଥିଲା। ୟେ ସଭା ଉନ୍ ସଭି ବୀରୋଁ କି ୟାଦ ମେ ଜୋ ଅପନେ ରାଷ୍ଟ୍ର କି ସୁରକ୍ଷା ଔର ସମ୍ମାନ କେ ଲିଏ ଶହୀଦ ହୋ ଗଏ ହୈଁ ଥୋଡି ଦେର କେ ଲିଏ ମୌନ ଖଡ଼ି ରହକର ଉନକେ ପ୍ରତି ଅପନା ସମ୍ମାନ ପ୍ରକଟ କରେଗି। ଲଦାଖର କାରଗିଲ ଜିଲ୍ଲାରେ ଥିବା ଦ୍ରାସ ସେକ୍ଟରରେ ରହିଛି 1999 କାରଗିଲ ଯୁଦ୍ଧର ସ୍ମାରକୀ। ସେଠାରେ ସେନାମୁଖ୍ୟ ବିପିନ ରାୱତଙ୍କ ସହିତ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ରାମନାଥ କୋବିନ୍ଦଙ୍କ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଅର୍ପଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଥିଲା, ମାତ୍ର ପାଗ ଖରାପ ଥିବା ଯୋଗୁଁ ସେଠାକୁ ଯାଇପାରିନଥିଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି। ସେଠାରେ ସେନାମୁଖ୍ୟଙ୍କ ସହ ଲଦାଖର ସାଂସଦ ଏବଂ ଉପରାଜ୍ୟପାଳ ଉପସ୍ଥିତ ରହି କାରଗିଲ ଯୁଦ୍ଧର ସ୍ମୃତିଚାରଣ କରିବା ସହ ଶହୀଦଙ୍କ ସମ୍ମାନରେ ନିର୍ମିତ ସ୍ମାରକରେ ପୁଷ୍ପମାଲ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ଗସ୍ତରେ ଥିବା ମାନ୍ୟବର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ବାରାମୂଳାର ୱାର୍ ମେମୋରିଆଲ୍ଠାରେ ଉପରାଜ୍ୟପାଳ ଏବଂ ସେନା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ଶହୀଦ ଯବାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜଣାଇଥିଲେ। ଦିଲ୍ଲୀରେ ଥିବା ନ୍ୟାସନାଲ୍ ୱାର୍ ମେମୋରିଆଲ୍ଠାରେ ସେନାବାହିନୀର ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ମିଶି ଦେଶବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଶହୀଦ ହୋଇଥିବା ଯବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜଣାଇଥିଲେ କେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜନାଥ ସିଂହ। ଭାରତ କି ସୀମାଓ କି ସୁରକ୍ଷା କେ ଲିଏ ଔର ଦେଶ କି ଏକତା ଔର ଅଖଣ୍ଡତା କୁ ଅକ୍ଷୁଣ୍ଣ ବନାଏ ରଖନେ ମେ କାରଗିଲ ଯୁଦ୍ଧ କେ ଦୌରାନ ଜିନ ହମାରେ ବାହାଦୁର ଯବାନୋଁ ନେ ଅପନି ଶହାଦତ ଦି ହୈ ମେଁ ଉନକେ ପ୍ରତି तहे दिल अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। केंद्र गृह मंत्री अमित शाह, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का समेत अन्य केंद्र मंत्री माने मध्य ट्वीट माध्यम रे कारगिल रे साहस और वीरत्वर सह लड़ी देशर स्वाभिमान रक्षा करतिबा जवान का प्रति श्रद्धांजलि जणाइछंती। दुई देश मध्य रे होइतिबा चुक्ति रो उल्लंघन करी पाकिस्तान सेना 1999 ରେ ଭାରତର କାରଗିଲ ଅଧିକାର କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲା। ଏହାର ଉଚିତ ଜବାବ ଦେଇଥିଲେ ଭାରତର ବୀର ଯବାନ। ସେନା ତରଫରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଅପରେସନ ବିଜୟ। ପ୍ରାୟ ଦୁଇ ମାସ ଧରି ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିବା ପରେ ଶେଷରେ ଜୁଲାଇ 26 ତାରିଖ ଦିନ ପରାଜୟ ସ୍ୱୀକାର କରିଥିଲା ପାକ୍ ସେନା। ସେବେଠାରୁ ଏହି ଦିବସକୁ କାରଗିଲ ବିଜୟ ଦିବସ ଭାବରେ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଟୋକିଓ ଅଲମ୍ପିକରେ ଭାରତକୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ମିଳିପାରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣପଦକ। ମୀରାବାଇ ଚାନୁଙ୍କୁ ମିଳିପାରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣପଦକ। ଟୋକିଓ ଅଲମ୍ପିକର ଚତୁର୍ଥ ଦିନ ଭାରତ ପାଇଁ କେବଳ ଗୋଟିଏ ରୌପ୍ୟ ପଦକ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି ମୀରାବାଇ ଚାନୁ। ତେବେ ମୀରାବାଇଙ୍କ ଏହି ରୌପ୍ୟ ପଦକ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣରେ ବଦଳିପାରେ। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଏହି ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣପଦକ ବିଜେତା ଚୀନ୍ର ଜଜିହୁଙ୍କର ପୁଣି ଥରେ ଡୋପ୍ ଟେଷ୍ଟ କରାଯିବ। ଯଦି ଜଜିହୁ ଏହି ଡୋପ୍ ଟେଷ୍ଟରେ ବିଫଳ ହୁଅନ୍ତି ତେବେ
चानू को रौप्य पदक स्वर्ण को बदली जीव प्रतियोगिता शेष में समस्ते निज देश को फेरुवा बेले ओलंपिक आयोजक मैंने जजिहू को पुणि थे डोप टेस्ट करने अटकई तेज डोप टेस्ट आज कि आसंका सूचना मिली से आज पदक सहित देश को फेरी मीराबाई विमान बंदर तक विपुल स्वागत संवर्धना दीजाई ओलंपिक्र स्वप्न को पूरण करने बहु परिश्रम और अनेक त्याग कर मीराबाई। हाँ, मेरे लिए ये बहुत ही चैलेंजिंग हुआ था कि जब से मेरा हमारी दोनों सर का सपने थे ओलंपिक में मेडल जीतना, तो वो मैंने 2016 से हमने पूरा तैयार की थी। 2016 जो ओलंपिक है तो उसी में हमारी फर्स्ट ओलंपिक भी थे, तो थोड़ा नर्वस भी हो गया था, तो मेरा मेडल मिस हो गया था। उसी के बाद हमने पूरा मेहनत की थी कि हमने ट्रेनिंग चेंज किया, कैसे करना है, रियो से मैंने बहुत सारी सीखी है, तो उसी के बाद हमने पूरा दिल से मेहनत किया, इतना हार्ड वर्क किया था, ये 5 साल हमने पूरा सेक्रीफाइस करके हमने इसी ये टोक्यो ओलंपिक में एक मेडल लेने के लिए हमने बहुत ही मेहनत की और बहुत सारी सेक्रीफाइस किया, तो आज से यही तक पहुंचे हैं। हाँ, मेरे लिए ये बहुत ही चैलेंजिंग हुआ था। समय जी बुलेटिन को रखिबा, नमस्कार।